बड़वानी के आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा जुड़े। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ सफलताएं भी मिली आंदोलन की वजह से, लोगों को मुआवजा भी अच्छा मिला, राशि मुआवजे की राशि मिली उनको, प्लाट मिले, ज़मीनें, ज़मीन के बदले ज़मीन भी कुछ गुजरात गए उन लोगों को दी गई है और यहाँ भी कुछ लोगों को मिली। उसके बाद क्या हुआ कि आपसी यहाँ के लोगों में आपसी फूट भी हुई। फूट की वजह से क्या हुआ कि उसमें आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग कट के, और फिर जो मुआवजा नहीं लेने का प्रण कर लिया था गांव में लोगों ने कि अपने को मुआवजा नहीं लेना है, ज़मीन के बदले ज़मीन ही लेना है, मतलब इस प्रकार से वो आंदोलन चल रहा था, तो उससे कुछ लोगों को भटकाया गया शासन के द्वारा, उन लोगों को भटका कर तोड़ा गया आंदोलन से, और कुछ परसेंट लोग आंदोलन से हट कर फिर उन लोगों ने क्या मुआवजा लेना शुरू करा, तो शासन को उससे मजबूती मिली, मुआवजा लिया, उन लोगों ने प्लाट लिए, सब किए, तो थोड़ा आंदोलन को वो ऐसा कमज़ोर लगने लगा। इसके बाद क्या सिटी के बड़वानी के लोग भी बहुत ज़्यादा लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, और लोगों को ये आज भी मालूम है और लोग इस बात को से समझ रहे हैं कि बड़वानी भी डूब में है। बड़वानी जो दिखाया गया है डूब क्षेत्र, उसमें बड़वानी कस्बा को डूब क्षेत्र में दिखाया गया है, वो बड़वानी को डूब क्षेत्र में नहीं बता रहे, जबकि नानी बड़वानी जो बड़वानी कस्बा और नानी बड़वानी जिसको बोलते हैं वो 52 गजा से आगे वाला क्षेत्र है, जो कि बड़वानी से भी ऊंचा है वो जी, वो लेवल जी, वो उसको डूब क्षेत्र में बता वो रहे, नहीं बता रहे हैं। हाँ। उसको डूब क्षेत्र में बता रहे हैं। हाँ। बड़वानी कस्बा को। हाँ। और यहाँ जो बड़वानी है इसको डूब में नहीं बता रहे, तो शासन कर रही इस प्रकार से भ्रमित, तो लोग बाग जुड़े हुए हैं, लोग बाग ये समझ रहे हैं कि ये जो पानी पूरी तरह से डैम भरेगा, तो जो नाला है बड़वानी सिटी के अंदर नाला है, बहुत बड़ा हाँ, नाला है, हाँ, हाँ, उस नाले से बैक वाटर जो आएगा हाँ, तो बड़वानी नहीं बचेगी, ये भी लोग समझ रहे हैं जी, और इस नाले से ये बैक वाटर जो आएगा तो बड़वानी भी डूब जाएगी। ये नाला फ्रेश वाटर का है जो नर्मदा से आता है। हाँ, नर्मदा में मिलता है ये जाकर, और यही बहुत विशाल नाला है बड़वानी में जी, और ये नाले से बैक वाटर का जो पानी आया तो बड़वानी को डुबा देगा। ये आप ना कुछ परिचय दे सकें इस बारे में, किसी भी चीज़ में परिचय अपना? नाम बताऊं? बिल्कुल, मैं पुरुषोत्तम मुकाती एडवोकेट हूं बड़वानी में। वर्तमान में मैं अभी बड़वानी अभिभाषक संघ का अध्यक्ष भी हूं, और मैंने क्या हुआ कि जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और शासन के द्वारा आंदोलनकारियों के खिलाफ जो प्रकरण बनाए, फौजदारी केस जितने भी बने थे, उन केसों में 100% लगभग ये मान लो कि 100% सारे केसों में मैंने ही जमानत कराई और सारे प्रकरण को मैंने ही फाइट किया, और 99% केसों में उनको एक्विटल हुए, दोष मुक्त कराए हैं सारे। और अभी वर्तमान में मतलब ये मान लो कि बांध मुक्त हो गई है कोर्ट, कि बांध में आंदोलनकारियों के कोई केस वर्तमान में अभी फिलहाल नहीं है, ध्यान नहीं देती बड़वानी में, नहीं है, है ही नहीं, नहीं है, सब बरी करा दिए मैंने, सब प्रकरण निपट गए हैं, तो सारे प्रकरणों में दोष मुक्ति हुई है, मतलब कोई भी वाहन आंदोलनकारी के दोषी नहीं ठहराए गए हैं। आपके आसपास जो लॉयर्स हैं आपके अलावा एडवोकेट, वो ऐसे कितने एडवोकेट हैं जिनका गांव किसी न किसी तरह डूब क्षेत्र में है, या फिर और उन्होंने आंदोलन के कार्य में अपना सहयोग दिया है? जैसे एक कैलाश यादव है, पिपरी रहते हैं वो जी, वो नर्मदा किनारे ही है। केटी मुंडे वकील साहब है जो बड़दा रहते हैं, वो भी नर्मदा किनारे हैं। ऐसे कई लायर जुड़े हुए हैं नर्मदा किनारे वाले, जिनके कि गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके अतिरिक्त भी कई लायर बांध आंदोलनकारियों के पक्ष में है, उनके हित में है, वो भले डायरेक्ट काम नहीं करते परंतु उनकी अच्छा सोचते हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, और बांध आंदोलनकारियों की वजह से ही अभी जो डूब क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनको अच्छा मुआवजा मिला है, उसके बाद भी और अनुदान राशियाँ भी दी गई, ये आंदोलन की ही एक देन है। तो यदि आंदोलन नहीं चलता यहाँ और नी बिगुल बजता आंदोलन का, तो जो डूब क्षेत्र में लोग आ रहे हैं उन लोगों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता, और जो बाद में पैकेज राशि के रूप में दे रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं, ये पैसा आंदोलन की वजह से ही मिल रहा है लोगों को। यदि आंदोलन नहीं होता तो शासन इस प्रकार से इतना मुआवजा नहीं देता और सहायता नहीं करती, मेरा ऐसा मानना है। और अभी वर्तमान में भी चल रहा है,
वर्तमान में भी चल रही है जी, जैसे ये रेत का उत्खनन हो रहा है अवैध रूप से नर्मदा के किनारे जितने गांव है यहाँ, मतलब हर गांव में देखो तो इस कदर से रेत का उत्खनन हो रहा, अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है कि नर्मदा किस स्थिति में पहुँचेगी आगे चल के, वो बहुत विकराल रूप होगा उसका, क्योंकि उस इन रेत उत्खननों में कई लोग खदान में दब के मर गए हैं अवैध रूप से खनन करने में, और मतलब इस तरह से अभी भिड़े हैं लोग, ये सब प्रशासन का भी उनको एक तरह से सपोर्ट है ये माना जाएगा, नहीं तो प्रशासन चाहे तो एक दिन में इनको बंद कर सकती है जी। सारी रेत यहाँ उत्खनन होती है अवैध रूप से, तो इंदौर और कई सिटियों में जा रही है, और यहाँ पर वो 2000 में जो ट्राला भर के जा रहा है जी, वो 20-25 हज़ार रुपये में इंदौर में बिक रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे वो इस कारोबार में, और अवैध भी है इसमें से काफ़ी कुछ। हाँ, जब कोर्ट में आप आंदोलन की तरफ से ही एक तरीके से लड़ रहे हैं तो कितनी मुश्किल आती है, और जजेस में और केस को आगे बढ़ाने में? इसमें क्या होता है, आंदोलनकारियों के एक या दो या चार लोगों के खिलाफ प्रकरण नहीं बनाते हैं। हाँ, वो तो सामूहिक रूप से बनाते हैं, 20-25 जैसे कोई रैली निकाली और वो शांतिपूर्वक ढंग से, आंदोलनकारियों ने आज तक हिंसात्मक रूप से कोई आंदोलन नहीं किया, सब अहिंसा के मतलब सावधानी से, और कोई नुकसान नहीं हो शासन को या उनके कार्यालयों को या किसी कर्मचारी को, इस प्रकार से शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं तो उनके खिलाफ शासन पहले से ही उनको उन पर बंदिश लगाने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए प्रकरण बनाते हैं कि इन्होंने आज एनयूडी में तोड़फोड़ कर दी, एनयूडी ऑफिस में सब आंदोलनकारी घुस गए, इन लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, गोबर पोत दिया तो मशीनें तोड़ दी, तो कागज़ फाड़ दिए, तो फाइल फाड़ दी, तो इस प्रकार से जो कि आंदोलनकारियों ने नहीं किया ये कार्य, पर उन पर ये आरोप लगाकर उनको आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बंदिश, बदनाम भी किया, बदनाम करने के लिए ऐसे पुलिस के द्वारा झूठे प्रकरण आंदोलनकारियों के खिलाफ बनाए गए, तो सामूहिक रूप से बनाते थे वो कि 100 लोगों के खिलाफ, 50 लोगों के खिलाफ, 30 लोगों के खिलाफ, इस प्रकार से। तो वो कोर्ट में क्या रहता था, इतने लोग एक साथ आना भी संभव नहीं रहता कभी कभी, तो हम क्या आंदोलनकारियों के हित में काम करने के हिसाब से हम उनके माफी आवेदन भी लगा देते थे उनको बचा कर, और उसके बावजूद भी फिर भी सारे प्रकरण जितने पुलिस ने बनाए थे उन प्रकरणों में सभी में दोष मुक्त हो गए आंदोलनकारी, कोई भी केस में दोष सिद्धि नहीं हुई है कि आंदोलनकारियों ने ऐसा गलत कार्य किया, सभी में दोष मुक्त। आपका, आप अभी भी उसी ये प्रभावित क्षेत्र में ही रहते हैं? हाँ, मैं बड़वानी प्रॉपर में रहता हूँ। तो आपको भी अलॉटमेंट हुआ होगा लैंड का? मेरे ब्रदर के नाम से ज़मीन थी 10 एकड़ की, नर्मदा किनारे था, उसका मुआवजा मिला है और उसके बाद उसके एक प्लाट भी मिला है। मुआवजा तो ट्रिब्यूनल के हिसाब से, और वैसे भी आंदोलन में मना कर रहे हैं लेने के लिए? नहीं, वो हमारे ब्रदर, छोटे ब्रदर हैं वो अलग रहते हैं। हाँ, उन्हीं के नाम से एक ज़मीन थी 10 एकड़ की, उन्होंने लिया, मैंने तो कुछ नहीं लिया। नहीं, या मेरे परिवार लेना नहीं चाहिए था, या चाहिए सही नहीं, है? नहीं लेना था, नहीं लेना था, नहीं लेना था, तो हमने नहीं लिया, उनको मना भी किया, पर वो अलग रहते हैं, लिया उन्होंने, उनको प्लाट भी मिला और मुआवजा भी मिला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं।